5000 एमएच का बैटरी, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी भाई डिसेंट कैमरा देके रखा है, तो और क्या चाहिए भाई साहब 10000 के अंदर, और क्या चाहिए भाई, हीरामोती लगा दे क्या स्मार्टफोन में। वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अंडर 10,000 में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेके आ गया आपके लिए मोटोरोला। आपने ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करते मोटो E40 जो स्मार्टफोन है भाई साहब 10,000 के अंदर ही लॉन्च हुआ है, 9,500 में लॉन्च है दोस्तों। आने वाला सेल में दोस्तों, फ्लिपकार्ट का आने वाला सेल में दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,000 या 8,500 में मिल जाएगा। 8,500 का अगर हिसाब से बात करें स्मार्टफोन में काफ़ी भाई लाजवाब चीज़ देके रखा है, और खासतौर पे भाई अगर आप सोच रहे भाई 10,000 के अंदर एक गेमिंग स्मार्टफोन लेंगे, ये स्मार्टफोन भाई साहब आपके लिए है भाई, सच बता रहे हैं। और फ्लिपकार्ट का जो सेल वगैरह आ रहा है दोस्तों 17-23 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट में जो सेल चला दोस्तों दिवाली सेल, और इसमें ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा ठीक। और इस सेल में दोस्तों खास तौर पे बोट का जितना भी एयरबड्स वगैरह है उसमें दोस्तों स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट तो है उसके ऊपर से भी डिस्काउंट। और इस सेल में अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी है तो उसके ऊपर से दोस्तों 10% डिस्काउंट और भी मिल रहा है ठीक है। मोटोरोला E40 जो स्मार्टफोन है भाई, लुक में उतना तो लाजवाब नहीं बोलूंगा, या अंदर में भी बहुत सारा कुछ इंक्लूडेड है ऐसा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई जो भी चीज़ है भाई ओरिजिनल आपको बताने वाला हूं। और ये स्मार्टफोन भाई काफ़ी, मुझे लगता है दोस्तों अंडर 10,000 में बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप 8,500 में ले रहे हो गेमर्स हो तो भाई सही है स्मार्टफोन दोस्तों। एक ही बार में लॉन्च हुआ है 4GB स्टोरेज में, 9,500 में सेल में चलेगा, 8,500 में ऐसे करीब में ठीक है। 6.5 इंच का दोस्तों HD+ LPS दोस्तों डिस्प्ले आपको मिलता है। और लुक बात कर रहे हैं दोस्तों, लुक रियर में एक डिजाइन मतलब लगता है भाई साहब डिजाइन किया हुआ, और आपको रियर में फील होगा भाई साहब, और स्मार्टफोन आसानी से भाई आपके स्लिप वगैरह नहीं होगा। स्मार्टफोन में और क्या क्या बात कर ले, रियर में दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ, और स्मार्टफोन में साइड में दोस्तों 3.5 का ऑडियो जैक वगैरह मिलता है सबसे ऊपर में। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो सबसे बड़ी हमको जो लगा दोस्तों, अंडर 10,000 में कोई भी स्मार्टफोन में आसानी से नहीं देता, इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का बटन, एक्स्ट्रा बटन आपको मिलता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑन ऑफ के बटन के पास में ही मिलता है ठीक। और इस स्मार्टफोन दोस्तों 3 कार्ड स्लॉट आपको मिलता है, मेमोरी कार्ड भी घुसा सकते हो भाई साहब 1 TB तक ठीक है, आराम से घुसा सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है ठीक है अगर आप लगाना चाहते हो तो। और इस स्मार्टफोन में बात करते हैं, सिंगल स्पीकर है भाई साहब, डुअल स्पीकर नहीं है, और ऑडियो क्वालिटी उतना हाई लेवल का नहीं है भाई साहब, आप समझ रहे हो ना, समझना भी चाहिए, क्योंकि भाई सोचो 8,500 में भाई जितना मतलब ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। और इस मॉडल दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं, Unity 700 दोस्तों चिपसेट आपको मिलता है, जो भाई एक तो एक नया चिपसेट है भाई साहब, और इस चिपसेट में आपका स्मार्टफोन ज़्यादा आसानी से गर्म वगैरह नहीं होगा कंपनी का दावा है। और ये स्मार्टफोन भाई लॉन्ग टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको 5,000 एमएच का बैटरी सपोर्ट देके रखा है। 5,000 एमएच का बैटरी ठीक है, बट चार्जिंग सपोर्ट कम देके रखा है, माना जाता है भाई 10 वाट का फास्ट चार्जिंग भाई साहब, 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको देके रखा है ठीक है। इन द बॉक्स में आपको मिलेगा भाई साहब चार्जर सब कुछ ही मिलेगा। और इस स्मार्टफोन दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मिल जाता है, IP52 वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, जहाँ पे अगर आपके फोन में थोड़ा बहुत पानी वगैरह आ जाएगा वो भाई बचा सकता है आपका स्मार्टफोन को ठीक है। एंड दोस्तों बात करें स्मार्टफोन का कैमरा बचा हुआ है ना भाई, कैमरा बात कर लेते हैं, 48 MP का त्रिपुर रियर कैमरा है, जहाँ पे 48 MP का मेन कैमरा, 2 MP शामिल है, दो उतना काम तो नहीं आएगा, 48 MP का मेन कैमरा भाई वो ज़्यादा काम आएगा। एंड दोस्तों फ्रंट की बात करें 8 MP का फ्रंट कैमरा, 8 MP एंड रियर में जो 48 MP दोनों अच्छे से काम करेगा, बट दो देके रखा है, उतना अच्छा काम कुछ मुझे नहीं लगता दोस्तों करने वाला है, बट भाई कोई बात नहीं चलेगा ठीक है। 8,500 में भाई इतना सारा कुछ आपको मिलता है स्मार्टफोन में, खास तौर पे अगर बहुत सारा दोस्त है कि भाई 10,000 के अंदर एक स्मार्टफोन लेंगे जो भाई थोड़ा बहुत गेम भी वगैरह खेल सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लुक भी सही होगा, तो स्मार्टफोन भाई आप ले सकते हो। क्योंकि देखिए रियर में सबसे पहले देखिए लुक भाई ठीक है, डिसेंट लुक है, उतना खास कुछ नहीं है। एंड दोस्तों स्मार्टफोन में आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, 3.5 का ऑडियो वगैरह सब कुछ है, सिंगल स्पीकर है, ऊपर से स्मार्टफोन में 5,000 mAh का बैटरी, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी भाई डिसेंट कैमरा देके रखा है, तो और क्या चाहिए भाई साहब 10,000 के अंदर, और क्या चाहिए भाई, हीरामोती लगा दे क्या स्मार्टफोन में ठीक है। और ऐसा सा चीज़ है स्मार्टफोन के बारे में, 17 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट में सेल चलेगा, बहुत सारा कुछ दोस्तों फ्लिपकार्ट में अभी सेल चला है, अभी तो चल रहा था, फिलहाल चल रहा था, अभी खत्म हुआ 10 तारीख को खत्म हुआ, फिर लेके आ रहा है 17 तारीख से, पता नहीं इन लोगों का सेल में सेल हुआ कि नहीं पता नहीं दोस्तों, बार बार सेल लेके आ रहे हैं हफ्ते के बाद हफ्ते ठीक है। और ऐसा सा चीज़ है, अगर आप लेने चाहते हो जाके चेकआउट करो। फिलहाल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताए थे दोस्तों Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन,
ये स्मार्टफोन भी दोस्तों आपको 17 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट में सेल में चलेगा, ठीक है। और इस स्मार्टफोन का प्राइस भाई 25,000 है और सेल में थोड़ा तो भाई कम होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई जल्दी से जल्दी जाओ SBI में खाता खुलवाओ, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और क्या बोलूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।